हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले 19,847 मेधावियों को बुधवार को लैपटॉप मिलेंगे। मंडी के बडल मैदान में लैपटॉप वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2900 मेधावियों को लैपटॉप देंगे। शेष मेधावियों को विधानसभा स्तर पर लैपटॉप दिए जाएंगे। प्रदेश के 55 स्थानों पर बुधवार को लैपटॉप का आवंटन होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 13 स्कूलों में मेधावियों से इस दौरान संवाद भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल सहित सभी मंत्री, विधायक और चेयरमैन अपने अपने हलकों में लैपटॉप वितरण करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बुधवार को मंडी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री 9 जून को कुल्लू में वितरण करेंगे। मेधावियों को लैपटॉप देने के लिए करीब 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 10वीं कक्षा के 4500, 12वीं कक्षा के 4500 और स्नातक स्तर के 1000 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना में शैक्षणिक स्तर 2018 और 19 और 19 और 20 के मेधावियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार अपने कार्यकाल में पहली बार मेधावियों को लैपटॉप देने जा रही है। मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपए की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। सरकार ने डेल कंपनी के i3 प्रोसेसर और 14 इंच स्क्रीन वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें 4GB की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16GB तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB की होगी। विद्यार्थी योजना के तहत इनमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 इंस्टॉल की गई है। इन स्कूलों के मेधावियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को बिलासपुर के घुमारवी, चंबा के तीसा, हमीरपुर के सुजानपुर, शिमला के पोर्टमोस और सोलन के धर्मपुर, ऊना के समूह कलाम, कांगड़ा के धर्मशाला, बचत भवन नूरपुर, भवाना ढलियारा, सिरमौर के पौंटा साहिब, किन्नौर के कल्पा स्कूल और लाहौल स्पीति के उपमंडलाधिकारी कार्यालय काजा में मेधावियों से संवाद करेंगे।